विशेषताओं में प्रकट होता है। प्रथम पुरुष कारणोदकशायी विष्णु यानी कि महाविष्णु, जो कि महत तत्व में समग्र भौतिक अवयवों का निर्माण करते हैं। दूसरे गर्भोदकशायी विष्णु, जो कि प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और तीसरे क्षीरोदकशायी विष्णु, जो कि परमात्मा है। मित्रों, ये जगत की मूल तीन पुरुष विशेषताएं हैं। जो भी व्यक्ति भगवान के व्यक्तित्व की इन पूर्ण विशेषताओं को जानता है, वही भगवान को ठीक से जानता है। और इस प्रकार जानने वाला व्यक्ति जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग आदि की भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, कई बार अधूरे ज्ञान की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भगवान महाविष्णु कौन है, कारणोदकशायी विष्णु कौन है, बोधकशायी और क्षीरोदकशायी विष्णु कौन है, भगवान नारायण कौन है और श्रीहरि कौन है। वास्तव में इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने और समझने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ना चाहिए। मित्रों, प्रथम पुरुष कारणोदकशायी विष्णु है, जिन्हीं से अन्य पुरुष विभूतियाँ और समग्र ब्रह्मांड का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवतम में इनके विषय में लिखा गया है, यस्यं भासि शयनास्य योगिनिद्रा वितन्वत नाभि हृदयम्बुजादासित ब्रह्मा विश्व सृजाम्पतिः। जिसका अर्थ ये होता है कि प्रथम पुरुष विभूति के स्वरूप में भगवान कारणोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड के जल के भीतर स्थित है, जो कि कारण समुद्र है। उनके शरीर की नाभि झील से एक कमल का तना निकलता है और इसी तने के ऊपर कमल के फूल से इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का प्रकटन होता है। इसी भगवान कारणोदकशायी विष्णु की त्वचा के असंख्य रूम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती रहती है। ये असंख्य ब्रह्मांड भगवान की श्वसन क्रिया के अधीन रहकर सर्जित और नष्ट होते रहते हैं। इस प्रकार से निर्मित प्रत्येक ब्रह्मांड में तृतीय पुरुष गर्भोदकशायी विष्णु के स्वरूप में प्रवेश करते हैं। गर्भोदकशायी विष्णु जिस ब्रह्मांडीय जल में विश्राम करते हैं, उसे गर्भोदक सागर कहा जाता है। और फिर गर्भोदकशायी विष्णु से तृतीय पुरुष विभूति के स्वरूप में क्षीरोदकशायी विष्णु का विस्तार होता है। यही क्षीरोदकशायी विष्णु भगवान नारायण और श्रीहरि के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि इस संपूर्ण सृष्टि के संचालक और पालनहार है। जो कमल पुष्प ब्रह्मा जी की जन्मभूमि है, उस कमल पुष्प की डंठल के भीतर संपूर्ण ग्रह प्रणालियों के 14 विभाग है, जिसमें की सांसारिक ग्रह यानी कि हमारी पृथ्वी मध्य में स्थित है, जिसके ऊपर की ओर उच्चतम श्रेष्ठ लोक और नीचे की ओर पाताल लोक स्थित है। तो इस प्रकार से भगवान महाविष्णु ही कारणोदकशायी विष्णु है, उनसे गर्भोदकशायी विष्णु का विस्तार होता है और अंत में गर्भोदकशायी विष्णु से क्षीरोदकशायी विष्णु का विस्तार होता है, जो कि श्री हरि और नारायण आदि नामों से प्रसिद्ध है। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।